शिनचैन रोज ही लेट हो जाता है, अगर आप उससे स्ट्रिक्टली बात नहीं करेंगे तो वो ऐसा ही करता रहेगा। ओके ओके। अच्छा वो हम टाइम पर पहुँच गए। गैंग लीडर गुड इवनिंग। अभी गुड मॉर्निंग कहना चाहिए बेटा, और मैं तुम्हारा गैंग लीडर नहीं प्रिंसिपल हूँ। आप तो दोनों ही आते कमाल के हैं। शिनचैन, तुम्हारा जूता कहाँ है? दूसरे पाँव का जूता? तुमने जूता कहाँ गिराया है? मुझे नहीं पता। मिसेस नुहारा शांत हो जाइए। ओह मैं तो शांत ही हूँ। अच्छा आप इसका ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। ठीक है। मेरी मम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, देखो ना क्या हाल कर दिया मेरा। तो इसमें क्या गलत किया उन्होंने? अब घर जाते वक्त उसका दूसरा जूता भी ढूंढना होगा, शायद मिल जाए। स्कूल जाते वक्त तो हम इसी रास्ते से गए थे, पर शिनचैन का जूता यहाँ कहाँ गिर सकता है? कहाँ पर होगा? शायद वो उछलकर वेंडिंग मशीन के नीचे चला गया होगा, या फिर कचरे में तो नहीं चला गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद उसे किसी ने पहन लिया होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ एक ही जूता पहने? कहाँ चला गया होगा? आज मैं बहुत थक गई हूँ। ये तो हिमावरी की पिक्चर बुक है। शिनचैन ये भी पढ़ता है? मेरा बेटा कितना प्यारा है। शिनचैन दोनों जूते पहने हो ना? हाय, मैंने दोनों जूते पहने हुए हैं। माम आप साइकिल थोड़ी धीरे और संभाल कर चलाइए ना। ये सब किसकी गलती है बताओ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुम आज लेट उठे। आगे देखिए माम। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का इंतजार था। इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। सॉरी हमें देर हो गई। गुड इवनिंग गैंग लीडर। बेटा सुबह में गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। तुम्हारा दूसरा जूता कहाँ है? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है मॉम। रुको मेरी बात का जवाब दो शिनचैन। अगर वो सुबह उठकर स्कूल बस पकड़ लेता तो कितना अच्छा होता, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे आशा है कि कोई इन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। अरे ये तो शिनचैन के जूते जैसे लग रहे हैं। सुनिए, क्या ये जूते आपके बच्चे के हैं? हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? अभी बताती हूँ। आपके गार्डन में? हाँ, कल मैंने खिड़की से कुछ टकराने की आवाज़ सुनी थी। मैंने जाकर देखा तो मुझे वहाँ किसी बच्चे का जूता दिखा। तो मैं सुबह से इंतजार कर रही थी कि कोई अपना जूता ढूंढते हुए आएगा, और आज फिर से एक जूता मिला। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे ने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको अपने जूते मिल गए तो मुझे भी चैन मिला। पर बताइए आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है, लेकिन जी मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता, लेकिन मैं उसे जरूर समझाऊंगी। शिनचैन, ये देखो मुझे तुम्हारे जूते मिल गए हैं। ये तुमने जानबूझकर खोए थे ना? आप तो कमाल की जासूस है मैम, आपने कर दिखाया लेडी डिटेक्टिव। ज्यादा मस्का मत मारो, मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर फेंक दिए थे, लेकिन जूता क्यों? क्योंकि मैम आप बहुत तेज साइकिल चला रही थी और मुझे और कुछ मिला नहीं। ए, ओए, प्रेसियोसा, मेरा की हकी। मैं तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचाना चाहती थी और तुम्हें ये शरारत सूझ रही थी। मॉम मैं तो ये चलती हुई कार से भी कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा शिनचैन। सुनो शिनचैन, तुम्हें एक बात समझनी होगी कि इस तरह किसी के घर में चीजें फेंकना अच्छी बात नहीं है। पर इस स्टोरी में तो ऐसा ही दिया है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे ये तो वही पिक्चर बुक है। मैंने सोचा ऐसा सच में हुआ तो कितना मजा आएगा। क्या ये जूते तुम्हारे हैं? हाँ, ये मेरा ही जूता है। क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? हाँ जरूर बनूंगी। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। कभी नहीं, किताबों में कहानियाँ सच नहीं होती।
इसलिए ये बुक पढ़ रहे थे। माँ बताइए ना आंटी ने क्या कहा। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा शिनचैन। क्यों? मैं खुद जूता लेने नहीं गया इसलिए। बिल्कुल नहीं, कोई अनजान बच्चा इस तरह गार्डन में जूते फेंक कर जाए तो बहुत बुरी बात है, इससे तो कोई भी नाराज हो जाएगा। क्या क्या कहा? याद रखना तुम दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे, समझ गए शिनचैन? तो क्या डैड का जूता चलेगा? ये तो और भी बुरी बात होगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना शिनचैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और सुनो शिनचैन, कल हम उनके घर जाकर उनसे माफी मांगेंगे और ये आंटी भी तुमसे कुछ कहना चाहती है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता है। देखो तुम बिल्कुल घबराना मत, समझे? मॉम आप जानती है वो आंटी मुझसे क्या कहेंगी? मुझे नहीं पता वो तुम्हें क्या कहने वाली है, लेकिन तुम्हें उन्हें सॉरी कहना चाहिए, ठीक है? अगर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो तो मेरे पास ही रह जाओ, ऐसे में मैं उनसे क्या कहूँ मॉम? नहीं, तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? आ रही हूँ। बुएनोस दियास। ओ हेलो, कैसी हैं आप? हाय। हेलो, बोलो शिनचैन। हेलो। ओ तो तुम शिनचैन हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। शिनचैन तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, मैं तो बहुत ही होनहार हूँ। अच्छा आप अंदर आ जाओ। हाय, चलो मॉम जल्दी अंदर चलो। ये तो चला भी गया, घर पर बुलाने के लिए शुक्रिया। Chicas, salid a saludar a Shin-chan. ¿Eh? Hello, Shin-chan. ये हमारे बच्चे हैं। Chicas, muy buenas. देखा, इनके घर में इतने सारे बच्चे हैं, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, मुझे ऐसी ही मम्मी चाहिए। चुप रहो शिनचैन। कुछ भी हो जाए कल से मैं इसे स्कूल बस से ही भेजूंगी। अरे आंटी। ओए ओए आंटी, सैटरडे को हमारे घर में केक पार्टी है, आप आएंगी ना?